देखो ये देखिए, गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं। कोई ग्रुप आया हुआ है और अभी अपना ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है उनकी। तो गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ सोनमार्ग से, पहले पैकिंग हो गई है, मैंने अपने लगेज फिक्स कर दिया है, बस निकलते हैं अब। ठीक है? हाँ भाई, तैयार हो? कपिल भाई तैयार हाँ भैया, हो? बिल्कुल क्या रह गया? अभी बस रेडी है। रेडी हैं, बस निकलते हैं अब बाहर। तो गाइस, अभी हम हैं गगनगीर सोनमार्ग में, और मोरवा होटल एंड रेस्टोरेंट, और पार्किंग भी बहुत बढ़िया थी। हमें 1500 में कमरा मिला भाई, 2500 रुपये मांग रहा था। अब सीज़न है तो भाई बहुत महंगे महंगे होटल मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अभी 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर और जाना सोनमार्ग को, और देखते हैं वहाँ पे निकलने देंगे या अभी लाइन लगी होगी जोजिला के लिए। जोजिला बड़ा टफ है, सबसे टफ हमारा पास है, वो आपको दिखाएंगे, बने रहना मेरे साथ। तो आज हमारी राइड का डे 3 है। तो आज हम जाएंगे लगभग अपना जंस्कार वाले रूट पे पहुंच जाएंगे, रंगदुम या पदुम, देखो कहाँ समय के ऊपर है कहाँ तक पहुंच पाए। तो भोलेनाथ का नाम लेके चलते हैं। जय भोले की, बम बम भोले। बम बम भोले। रात को हम सोनमर्ग नहीं गए क्योंकि एक तो होटल बहुत मारा मारी थी, दूसरा रात को व्यू नज़र नहीं आता, ये सारा अंधेरा हो गया था। इस व्यू के लिए हमने सोचा सुबह ही निकलेंगे ताकि ये बढ़िया व्यू नज़र आए, वीडियोग्राफी अच्छी हो जाए। तो ले यहाँ से 354, कारगिल 128। देखिए नज़ारे यार, इसी के लिए इतना हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। 2 दिन से पूरी मेहनत लगी है, कमर टूट गई है, गर्दन टूट गई है, और ये व्यू देखिए यार, रोड ट्रिप का तो मज़ा ही कुछ और है। कभी भी आपने कारगिल या लद्दाख करना है तो बाय रोड करिए, मज़ा आ जाएगा आपका। जो व्यू नज़ारे नज़र आएंगे, ये सोनमार्ग के नज़ारे अमेजिंग है यार, कमाल कमाल, ब्यूटीफुल। पूरा ग्लेशियर है ये नीचे तक आया हुआ है। सोनमार्ग में काफ़ी बर्फ़ है अभी भी, और जोजिला में तो आपको बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे देखने को, और लेकिन कीचड़ भी बहुत मिलेगा। बहुत टफ़ रास्ता होगा जोजिला का क्रॉस करने के लिए। चलो देखते हैं, भोलेनाथ साथ है हमारे। गेटवे ऑफ सोनमार्ग आ गया है, ये ब्रिज है गेटवे ऑफ सोनमार्ग, ब्यूटीफुल ब्रिज, बहुत ही अमेजिंग फील होता है इस ब्रिज को क्रॉस करने में। ऐसे लगता है सोनमार्ग में एंटर कर गए हम, लेकिन एक और नया ब्रिज बन रहा है वहाँ पे, और टनल भी बन रही है पीछे, ये सामने टनल बन रही है जो सीधा मतलब कि जोजिला को क्रॉस कर देगी। वो टनल 1-2 साल में खुलने वाली है ये टनल। ये देखिए ये सामने, ये पूरा जाएगा, ये ब्रिज जो जा रहा है सीधा टनल के अंदर जा रहा है। बहुत ही शानदार है, स्नोइंग माउंटेन है, अभी भी ऊपर बहुत स्नो है, और यहाँ से खच्चर लेके जाते हैं आपको ऊपर ग्लेशियर पे घुमाने के लिए। और मैं गया था 2014 में ग्लेशियर पे, सोनमार्ग के ग्लेशियर पे, बहुत ही बढ़िया है वहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं सोनमार्ग, ये सारे होटल होम स्टे रिसोर्ट सब यहाँ से शुरू हो जाते हैं, बहुत कॉस्टली है यहाँ पे। ये 2-3 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें पूरे होटल वगैरह सब कुछ मिलेंगे, और ऊपर गाड़ी नहीं ले जाने देते आपको, यहाँ से लोकल गाड़ी लेनी पड़ेगी वहाँ आगे तक, या खच्चर से जाओ या लोकल गाड़ी से। तो गाइस ये व्यू देख लीजिए, सोनमार्ग का तो व्यू बहुत ही बढ़िया है, सोनमार्ग से जो जोजिला का रास्ता है, और ये बालटाल का रास्ता बना हुआ है सामने, बालटाल बेस कैंप है नीचे जो रिवर जा रही है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये, चारों तरफ ग्रीनरी है, स्नोई माउंटेन है, बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आता है। ग्लेशियर को क्रॉस कर रहे हैं, ये देखिए मेरे लेफ्ट हैंड पे ग्लेशियर, बहुत बड़ा ग्लेशियर है, और ठंड बढ़ती जा रही है, मुझे लग रहा है कि वार्मर पहनना पड़ेगा नीचे, क्योंकि अभी हम लगभग 6,500-7,000 फीट पे हैं, तो सीधे 10,000-11,000 पे पहुंच जाएंगे जो जिला में।
सीधा 4000 फिट हम टॉप अप कर जाएंगे। बिल्कुल, हम जोजिला की चढ़ाई शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको व्यू दिखा दूं। ये सामने ये बालटाल का रास्ता आ रहा है, ये सामने ये देखिए, ये पूरा बेस कैंप है बालटाल के लिए। नीचे पार्किंग होती है, हेलीपैड है, वो पूरी पार्किंग है वो। और ये रास्ता जाता है अमरनाथ जी का, ये सामने से बिल्कुल सीधा निकल जाएंगे पहाड़ के बैक साइड पे। अभी तो बहुत स्नोइंग माउंटेंस है यहाँ पे, इस समय अगले महीने से शुरू होगी। तो ये देख लो सर, ये पूरा भाई लोग पूरा पहाड़ चढ़ना है, हमने ऊपर तक जाना है। और ये हमारी बाइक खड़ी है। ये जोजिला का पहाड़ है, इसको हमने पार करना है। तो सबसे जो है बारिशों में सबसे ख़तरनाक ये पार्ट होता है जोजिला, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़े पहाड़ हैं, तो लैंडस्लाइड जोन रहता है हमेशा, और स्टोन शूटिंग तो होती रहती है यहाँ पे। ये देख लीजिए, बिल्कुल वो ऊपर तक जाना हमने। तो ये पहाड़ को काट के रास्ते बनाए हुए हैं जोजिला के। तो यहाँ पे बड़ी फेमस बैटल हुई थी जोजिला की, जब पाकिस्तान ने 1947 में कब्जा करने के लिए कश्मीर को अपनी सेना भेजी थी या लड़ाके भेजे थे, तब हमारी इंडियन आर्मी ने जोजिला में बड़ी ख़तरनाक लड़ाई बैटल लड़ी थी। जोजिला से क्या है, कारगिल लद्दाख कट जाता है बिल्कुल, इसलिए जोजिला पे कब्जा करना बहुत ज़रूरी था। तो हमारी आर्मी ने यहाँ पे टैंक लेके आए थे, उस टाइम तो रास्ते भी नहीं थे बिल्कुल, जो आज ये रास्ते देख रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि 47 में क्या हाल होगा, यहाँ पे चलने की जगह नहीं होती थी। उस टाइम हमारे टैंक आए थे यहाँ पे, और टैंकों के साथ हमारी बैटल हुई थी और हमने विजय प्राप्त करी थी। नज़ारा बहुत ही कम समय के लिए रह गया, साल दो साल के लिए रह गया है, क्योंकि टनल बन रही है तो जोजिला को आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे, आप सीधा टनल से क्रॉस कर जाएंगे पहाड़ को। जैसे रोहतांग पास पहले हम जाते थे क्रॉस करके, कहीं भी जाना होता था पटली तरफ शिशु की साइड, अब टनल से अटल टनल से निकल जाते हैं, उसी तरह इसी आपको यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा। तो जिसको करना है लद्दाख वो फटाफट कर लो एक आध साल में, नहीं तो भाई आपको जोजिला का जो एडवेंचर है वो नहीं मिलेगा। ये देखिए आगे कितना स्नोइंग माउंटेन है, ग्लेशियर नीचे उतरे हुए हैं, पूरे ग्लेशियरों को काट के बना रखा है रास्ता। ये देखो ये बर्फ, ये पहाड़, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं बर्फ़ के। और जब ये शुरू में खुलता है तो दोनों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं पहाड़, अब तो कम हो गए हैं, मेल्ट हो गए हैं, क्योंकि गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। और जून में तो ये ख़त्म हो जाएंगे, जून में आप 15 तारीख के आसपास आओगे तो ये पहाड़ कोई नहीं मिलेगा आपको बर्फ़ का। तो ये देखिए यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट हो रहे हैं, अभी स्नो है ग्लेशियर के ऊपर काफ़ी हो रहा है। एडवेंचर कितना है, कितना फेज वाइज रहता है सर? कितना वैसे ये फर्स्ट फेज है, वो सेकंड फेज है, इसमें 1500 है, इसमें 2500 है सर। उसमें क्या फर्क है? क्या लॉन्ग राइड है, शॉर्ट राइड है, वो तो किस वाले में जाओगे करो डिसाइड सर। क्या एडवेंचर ये है यार, हम आ गए हैं गाइस जीरो पॉइंट पे, जोजिला का जीरो पॉइंट है ये, और सबसे ज्यादा स्नो यही मिलती है। और यहाँ पे बहुत ही एक्टिविटीज होती है स्नो की, स्नो कार वगैरह यहाँ पे सब मिल जाती है आपको। ये देखिए कितनी स्नो है, ग्लेशियर पूरा है, और टूरिस्ट मोस्टली ये सोनमार्ग से यहाँ आके वापस चले जाते हैं। यहाँ पे एक जीरो पॉइंट का बोर्ड भी होगा, पॉइंट से निकल गए हैं, ये नया गेट बन रहा है जीरो पॉइंट का। तो काफ़ी बढ़िया वेदर है इस समय, यहाँ पे हल्की हल्की ठंड है, मैंने सोचा नहीं था, मैंने कहा बहुत ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन ठीक है हल्की हल्की ठंड है और मज़ा आ रहा है, प्लेजेंट है बिल्कुल। और अभी स्नो है काफ़ी,
और 15 दिन में ये स्नो मोस्टली 50% से ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी, बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रही है इस समय। तो गाइस जोजिला वार मेमोरियल ये सामने है, ये देखिए IM@ जोजिला। तो ये अभी 2-3 साल से ही बनाया है जोजिला वार मेमोरियल, और यहाँ पे कैफ़े भी बन गया है घुमरी, बहुत ही बढ़िया यार।